हाय एवरीवन, दिस इज किरण। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही डिलीशियस केक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि है बटर स्कॉच केक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस डिलीशियस केक को बनाना। केक के लिए सबसे पहले हम बटर मिल्क तैयार करेंगे। इसके लिए यहाँ मैंने एक कप गुनगुना दूध ले लिया है। इसमें ऐड करेंगे एक बड़ा चम्मच विनेगर, मिक्स करेंगे और इसे एक साइड रख देंगे। तब तक हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स तैयार करेंगे। इसके लिए यहाँ मैंने एक छन्नी ले ली है। इसमें डालेंगे हम 1 1/4 कप मैदा, 1/4 कप मिल्क पाउडर, 2 बड़े चम्मच कॉर्न स्टार्च, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा और इसमें 3/4 कप हम ऐड कर देंगे पाउडर चीनी। यदि आप ज़्यादा मीठा केक पसंद करते हैं तो 3/4 की जगह आप 1 कप शुगर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे हम छान लेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं। अब इन्हें हम एक साइड रख देंगे और एक बोल लेंगे। इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप मेल्टेड बटर। बटर की जगह आप 1/2 कप ऑयल ले सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम तैयार किया हुआ बटर मिल्क। यदि आप अनसॉल्टेड बटर इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप बैटर में 1/4 टीस्पून सॉल्ट का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। अब इसमें हम ऐड करेंगे बटर स्कॉच क्रश। इसकी जगह आप एसेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं 1/2 टीस्पून। बटर स्कॉच क्रश से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही माइल्ड टेस्ट आता है। इसमें 1 बड़ा चम्मच हम बटर स्कॉच क्रश ऐड करेंगे। आप 1 से 2 बड़े चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मिक्स करेंगे और अब इसमें हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा थोड़ा करके मिलाना स्टार्ट करेंगे। मिक्स करते जाएंगे, गुठलियाँ नहीं बनने देना है हमें, इसीलिए अच्छे से मिक्स करेंगे। पूरा मिक्सचर मिला देंगे। अब हम बैटर हमारा रेडी है, देखिए इस कंसिस्टेंसी का होना चाहिए बैटर। और अब हम एक तैयार किए हुए केक मोल्ड में इसको शिफ्ट करेंगे। मोल्ड को मैंने पहले से अच्छे से ग्रीस करके इसमें बटर पेपर लगाया हुआ है। पूरा बैटर इसमें डाल देंगे, टैप करेंगे और इसे अब 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम 30 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। आप चाहें तो कढ़ाई में भी केक को मीडियम आंच पर 30-45 मिनट्स के लिए बेक कर सकते हैं। जब तक केक बेक हो रहा है तब तक हम व्हिप्ड क्रीम तैयार कर लेंगे। व्हिप्ड क्रीम के लिए हम एक बोल लेंगे। इसमें ऐड करेंगे हम 1 कप चिल्ड व्हिप्ड क्रीम। व्हिप्ड क्रीम को यूज़ करने से पहले मैंने रात भर के लिए फ्रिजर में रख दिया था और यूज़ करने के आधे घंटे पहले मैंने इसे बाहर निकाल के रख लिया था। इसमें अभी भी आइस क्रिस्टल्स हैं और अब इसे हम लो स्पीड पर फेंटेंगे। मैं जो व्हिप्ड क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ ये ऑलरेडी मीठी है। यदि आप अनस्वीटेंड व्हिप्ड क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1/2 कप पाउडर शुगर या फिर 1/2 कप कंडेंस मिल्क इसमें ऐड करें। क्रीम गाढ़ी होना स्टार्ट हो चुकी है, देखिए। इसमें ऐड करेंगे हम 1/8 टीस्पून येलो फूड कलर। मैं पाउडर फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो जेल फूड कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही हम इसमें 2 बड़े चम्मच बटर स्कॉच क्रश ऐड करेंगे, इससे बहुत ही माइल्ड फ्लेवर आता है। आप चाहें तो बटर स्कॉच क्रश की जगह बटर स्कॉच एसेंस इस्तेमाल कर सकते हैं 1/2 टीस्पून। ये बटर स्कॉच क्रश ईजीली किसी भी बेकरी पर मिल जाता है। अब इसे हम दोबारा से फेंटेंगे स्टिफ पीक आने तक। क्रीम हमारी रेडी हो चुकी है, बढ़िया स्टिप पीक आ चुकी है, देखिए कितनी बढ़िया गाढ़ी हो चुकी है। हम बोल को यदि उल्टा भी करते हैं तो ये मूव नहीं करेगी। अब इसे हम आइसिंग बैग में फिल कर लेंगे। अब केक के लिए हम कैरेमल सॉस बनाएंगे। इसके लिए यहाँ मैंने 1/2 कप शुगर ले ली है और इसे हाई फ्लेम पर हम मेल्ट करेंगे। चीनी मेल्ट होने लगी है, इसे हमें कैरमलाइज्ड करना है, अच्छा डार्क कलर आने तक पकाना है और पूरी तरह मेल्ट होने देना है। चीनी हमारी कैरमलाइज्ड हो चुकी है और अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून बटर, सॉल्टेड बटर। मिक्स करेंगे। और अब इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप अमूल फ्रेश क्रीम। यदि आपके पास अमूल फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप 1/2 कप ताजे दूध की मलाई इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे
और अब इसमें हम कुछ बूंदे बटर स्कॉच एसेंस की ऐड करेंगे, फिर मिक्स करेंगे। कुछ मिनट्स के लिए हम इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे। कैरेमल सॉस बिल्कुल रेडी है और अब हम फ्लेम ऑफ कर इसे ठंडा होने देंगे। अब हम रेडी करेंगे केक के लिए बटर स्कॉच। होममेड प्रालीन बनाने के लिए हम एक पैन में 1/2 कप शुगर लेंगे और इसे हाई फ्लेम पर हम मेल्ट होने तक पकाएंगे। चीनी मेल्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। चीनी मेल्ट हो चुकी है, इस स्टेज पर हम फ्लेम लो कर देंगे। बढ़िया कलर आ चुका है, इस स्टेज पर हम इसमें 1/2 कप रफली चॉप्ड कैश्यू ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम फ्लेम ऑफ करके इसे एक बटर पेपर पर फैला देंगे। बटर पेपर ना हो तो आप किसी भी थाली पर घी या बटर लगाकर उस पर इसे फैला सकते हैं। इस तरह से अच्छे से फैला देंगे और अब इसे ठंडा होने देंगे हम पूरी तरह। ये ठंडी हो चुकी है और अब इसे हम निकाल लेंगे और इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। आप चाहें तो मिक्सर ग्राइंडर में भी ऑन ऑफ करके इसके छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं, एकदम पाउडर नहीं बनाना है। तो लीजिए, हमारा बटर स्कॉच रेडी है, इसे हम अब एक साइड रख देंगे। केक हमारा रेडी हो चुका है, देखिए। अब इसे हम ठंडा होने देंगे और अब इसे डीमोल्ड करेंगे। बहुत ही बढ़िया स्पॉन्जी सॉफ्ट केक बना है और अब इसकी हम ऊपर वाली लेयर को कट करके निकाल देंगे, ये काफ़ी हार्ड होती है। देखिए कितना बढ़िया केक बना है। और अब इसे हम बीच से भी 2 हिस्सों में कट कर लेंगे इस तरह से। और अब हम इस पर शुगर सिरप डालेंगे। 1 बड़ा चम्मच चीनी में 2 बड़े चम्मच आप पानी मिलाकर शुगर सिरप बना सकते हैं। व्हिप क्रीम को हम पाइपिंग बैग में भरेंगे। और अब हम कैची से इसके सामने का हिस्सा कट कर देंगे इस तरह से। और अब हम आइसिंग करेंगे केक के ऊपर। और अब हम इस पर केक की दूसरी लेयर रख देंगे और इस पर भी शुगर सिरप फैलाएंगे और इस पर भी हम आइसिंग स्प्रेड करेंगे, अच्छे से स्मूथ करेंगे। केक को चारों तरफ से हम आइसिंग से कवर करेंगे, इसे जितना हो सके स्मूथ कर लेंगे। ये रेडी है, अब इसमें हम आगे की आइसिंग करेंगे। केक के ऊपर हम तैयार किया हुआ बटर स्कॉच स्प्रेड करेंगे। बटर स्कॉच से केक दिखने में भी खूबसूरत दिखता है और ये खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा क्रंच आता है। ठंडा होने के बाद कैरेमल सॉस को मैंने पाइपिंग बैग में फिल कर लिया था और अब इससे हम केक को डेकोरेट करेंगे इस तरह से। और अब हम केक को थोड़ा और डेकोरेट करेंगे, आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग इसे डेकोरेट कीजिए। तो लीजिए, हमारा जूसी सॉफ्ट केक रेडी है। बहुत ही टेस्टी केक है और इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो इसे आप जरूर ट्राई कीजिएगा। आइसिंग आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया केक बना है, मैंने इसे कट भी कर लिया है। अब इसे हम टेस्ट करेंगे, देखिए कितना सॉफ्ट है और बहुत ही यमी केक है ये, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।